हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल वो तो हेल बेला के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि चमन सयूरी और काना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहां पर कुछ दिन रहने दें जब तक कि गांव वाले उसको अच्छे से भूल ना जाए। काना कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम यहाँ जानती हो किसी को? चमन कहती है कि हाँ, मेरी बहन, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। चमन सोचती है कि मुझे सयूरी का नाम लेना पड़ेगा, बट मेरी जो आंखें हैं वो तो कान्हा के ऊपर टिकी हैं, जो कि इतना हैंडसम है, इतना अच्छा है, और मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। चमन यहाँ पर रिक्वेस्ट करती रहती है। सरोजा दादी मौसी भी वहाँ आते हैं और कान्हा उनको सब बताता है। दादी मौसी कहती हैं कि ये घर वाले नहीं, बाहर वाले हैं, हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम इनको कुछ पैसे दे सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम अपने इश्यूज खुद सॉल्व करो। कान्हा और सयूरी एक दूसरे से घुसर-घुसर बात करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, किसी को घर में रखना जो कि अननोन है सेफ नहीं होगा, और वैसे भी हमारे घर में बड़े हैं, बच्चे हैं। दादी मौसी उसे चिल्लाती है चमन को नहीं जाने देने के लिए। चमन रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। चमन यहाँ पर जाने लगती है रोते रोते, और तभी वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। चमन ऐसे एक्ट करती है कि जैसे उसे मिर्गी का अटैक आया है। दादी और सरोज देखकर अपसेट हो जाते हैं। कान्हा अंदर जाता है चमन को बचाने, तभी चमन मेस्मराइज हो जाती है और सोचती है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया। कान्हा उससे कहता है कि लो चाबी और इसको अच्छे से पकड़ो। कान्हा कहता है कि ये जो कीज हैं ये वापस करना। सयूरी यहाँ पर कहती है कि कान्हा तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे हो इसके साथ, हमें कुछ नहीं पता है। और चमन यहाँ पर कान्हा से कहती है कि थैंक यू साहब। सयूरी यहाँ पर नकुल को कहती है घर में कि हमें डिसाइड करना होगा किसका क्या करना है। दादी मौसी सरोज सब अपसेट हो जाते हैं इनके इस फैसले से और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। सयूरी सर्वेंट से कहती है कि जाओ चमन को कोई कमरा दिखा दो। चमन खुश हो जाती है चाबियां देखकर उसके हाथ में और कहती है कि ये घर तो बहुत बड़ा है, बाप रे, आखिर मुझे इसी को तो संभालना है आगे। इधर सरोज और दादी मौसी गार्डन में बैठे होते हैं। सरोज बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो तभी दादी मौसी उसे काम डाउन करती है। सरोज कहती है कि एक एक करके सब कुछ गलत हो रहा है, कल कान्हा और सयूरी इस बच्चे को नाम देंगे, लेकिन DNA रिपोर्ट तो अब तक हमें मिली ही नहीं है, और हम सोच रहे थे कि पूजा यहाँ हो। दादी कहती है कि पहले तो शांत हो जाओ, DNA रिपोर्ट कल आएगी, और ये जो बच्चे का नाम है वो हम तभी रखेंगे जब हमें पता चल जाएगा। दादी मौसी और सरो डिस्कस करते हैं, ये लड़की ठीक नहीं लग रही है, और सिर्फ नकुल ही है जो उसे कहता है कि अब क्या करना है आगे। सयूरी और कान्हा चमन को सुलवाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चमन देख करके बहुत खुश होती है कि वो फाइनली इस घर के अंदर आ गई है, और कान्हा और सयूरी के बीच का प्यार देखकर वो खुश होती है। चमन सोचती है कि एक बार कान्हा मुझे प्यार करने लग जाए तो मैं भी उसे खूब सारा प्यार करूंगी। और चमन उसके फोटो देखती है और टिंगू की मिस कॉल देखती है। आगे की अपडेट जानने के लिए अलबेला टीवी सीरियल का सेकंड पार्ट जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.